हेमंत, शरद और वर्षा। शरद? मम्मी, रोनी अंकल, एना, लाजो आंटी। ओ झालर, मारो नाम तो ले। पिटारा बंद करो। अरे लेफ्ट हैंड से नहीं, राइट हैंड से। अब समझ में आता है कब से पिटारा दो का वो ब वो ब वो ब वो ब वो अपना वो ब। लंच को हिंदी में क्या बोलते हैं? आहार, भोजन। हाँ, अब समझ में आया कि पिटारा दो का भोजन क्यों कब से गा रहा था ये लोग। मैन भजन का भोजन किया इसने। हाँ, समझ में आया ना। अरे बोलो मैन। घोटाला, मारी बात कान खोल के सुन लो। अगर ये पिटारा पाप का पिटारा निकला तो सारे को लेने का देना पड़ जाएगा। वर्षा, जल्दी से बता दे इस पिटारे में के है। और तुम लोग ये अजीब सा बर्ताव क्यों कर रहे हो? और तुम तीनों ने ये बाया हाथ पीछे क्यों रखा है? वो हम पिटारे से चीजें निकाल के। चुप कर, तुझे कसम पी है ना, कुछ नहीं बताऊंगा। लो, एक बार फिर इन्होंने कसम पी। कौन सी वाली, नीली पत्ती वाली या अदरक वाली? क्योंकि हमारे यहाँ तो कसम खाते हैं। आप कौन सी वाली कसम खाते हैं? सादी वाली कसम या मैसूर मसाला कसम? अनास, अब रिवाज में होगा कसम खाते हैं ऐसा बोलने का। शरद, हम यहाँ पर हिंदी भाषा के अजीबपन पर रिसर्च करने के लिए नहीं आए हैं। आंटी भावना के गहने चोरी हो गए। अंकल ओझा, पुलिस को फोन लगाओ। मैन, हमारे फोन की तो बैटरी लो है। हेलो स्वीटी सिंह, खम्मा गणी, ऐसे बोलूंगा तब तक तो। लो मेरा मोबाइल लो। नहीं नहीं, पुलिस को मत बुलाओ वरना आप सबको बहुत डांट पड़ेगी। बता देता हूँ। कौन देगा मेरे को डांट? तुम देगा मेरे को डांट? नहीं नहीं, मैं नहीं, पुलिस डांटेगी क्योंकि बिटारे में कुछ बोला ना तो थप्पड़ खाएगा। अरे तुम लोग, रोने भैया प्लीज। देखिए वर्षा भाभी, अब पुलिस आएगी तो खामखा बात बढ़ेगी। आप साफ साफ बता क्यों नहीं देती कि ये सब क्या चल रहा है और आखिर इस पिटारे के अंदर है क्या? एक्सचेंज प्रोग्राम पूरा हुआ, मैं गणपति पापा मोरिया बोलूं? तू जल्दी से घर आ जा और अपनी भतीजी को आई लव यू बोल दे। गणपति पापा मोरिया। बस मैन, बहुत हो गया, अब तुम लोग बताओ इस पिटारे में क्या है। अभी गणपति पापा मोरिया, गणपति पापा मोरिया। मैं कब से वो क्या एक्ट्रेस प्रियंका का सरनेम क्या है? चोपड़ा। हाँ, मैं बहुत देर तक चुप रहा, लेकिन अब नहीं चुप बैठेगा। बताओ मैन, बताओ उस बक्से में क्या है? क्या? रुक जाओ, तुम देखना चाहते हो ये पिटारे में क्या है? हाँ, तो कुछ कपड़े और बर्तन है। देखो ये सब चीजें ये लोग हमारी संस्था के जरिए गरीबों में बांटने के लिए लाए थे। वर्षा, थे सब ये दान करने वाले हो के? हाँ, गणेश जी का त्योहार आ रहा है ना परसों। अरे अभी उसमें दो दिन बाकी है,
अभी से के? हाँ तो त्योहार के दो दिन पहले बांट दो तो लॉजिकली त्योहार के दिन अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पाएंगे ना गरीब लोग। He's right. अगर त्योहार के दिन बांटेंगे तो पहनेंगे कैसे? हाँ। आप लोग दान धर्म कर रहे थे तो सीधे सीधे बता देते, देखो देखो हम दान पुण्य कर रहे हैं, देखो देखो। हाँ, ऐसा करते तो दान धर्म के सच्चे अर्थ को खो नहीं देते हम। और रक्षाबंधन के दिन आप ही लोगों ने कहा ना कि गरीबों में मिठाई बांटो लेकिन चुपचाप। और आना, तुम्ही ने सिखाया ना कि जीसस अंकल ने कहा है कि अपने दाएं हाथ से दान करो तो अपने बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ। मैन, इसलिए तुमने अपना बाया हाथ पीछे रख के दाहिना हाथ आगे किया ताकि दाया हाथ को पता ना चले क्या हो रहा है। हाँ। इसको तो रोनी भैया, उन्हें कोसने के बजाय अगर हम उनसे कुछ सीखें तो बेहतर नहीं होगा? शरद, वर्षा भाभी, हेमंत, वी ऑल आर रियली सॉरी। यू शट अप। और सॉरी हमें नहीं, पुलिस को कहिएगा, क्योंकि मैंने कहा था ना कि पुलिस आपको बहुत डांटेगी। रुक जाओ, भूल गया हमारी बच्ची कमजोर है और वो उसके असली रूप में है। हमारे इंसानी जिस्म के इंफेक्शन लगने की संभावना है उसे। सबसे पहले पहले हम सब गा के आते हैं। गा के नहीं बेटा, भैया गा के नहीं, नहा के। तो हम सबसे ज्यादा क्यूट लग रही है। एक काम करते, हम लोग सब पहले नहा के आते हैं, उसके बाद माँ,
मैं यहाँ रुक जाऊं, मुझे आप लोगों से दूर रहना अच्छा नहीं लगता। ओए, तुम्हारी कॉलोनी वाले क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हो है? जो चीज तुम्हारी कॉलोनी से चोरी होती है वो तुम लोगों के घर से ही मिलती है। झूठ मत बोलिए, प्रीतेश के दांत खोए थे तो उसके स्कूल से मिले थे, पूरे दो दिन तक मैं ढूंढती रही थी। गुजराती बहुराणी पूरी टप्पण, तू दांत ढूंढने क्यों गई थी? हाँ बाप, आप फिर से पलटी है? आपने तो कहा था कि चकुड़ी मेरे मरने के बाद मेरे पीछे के दो दांत निकाल लेना, बहुत कीमती है। तेरी किटे था था। चकुड़ी वो तो सोने के हैं इसलिए। तो बराबर। पर सिटी भाई, प्रीतेश के तो मैं सारे दांत तोड़ देने वाली हूँ, क्योंकि उसी ने ऐसा चोर चोर करके हम दोनों को वहाँ बुला लिया। अरे आंटी भावना, प्रीतेश तो छोटा बच्चा है ना मैन, आपको आपका घर का तलाशी बराबर से लेना चाहिए था, ऐसे किसी को अरे अटका वो रेलवे क्रॉसिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? फाटक। हाँ, ऐसे फाटक से इंस्पेक्टर को फोन नहीं करना चाहिए था मैन। हाय हाय, फाटक का फाटक। करेक्ट है जी, ये समझ गया ना मैं। अब के करें हैं सिटी सिंह जी, थारा नंबर तो भानु भाभी के स्पीड डायल में है। मेरा नंबर आपके स्पीड डायल में? वो क्या है सिटी भाई, इमरजेंसी में कुछ मदद की जरूरत हो तो आपको तुरंत बुला सकते हैं ना, इसलिए 9 नंबर पे आपका नंबर रखा है, वो आप कितने इम्पोर्टेंट है। हाँ, 2 पे भंगार वाली का, 3 पे कचरे वाली का, 4 पे सब्जी वाली मंचा का, 5 पे हमारी दूध वाली का, 6 पे हमारी काम वाली का, 7 पे काम वाली की माँ का, 8 पे काम वाली की माँ की पड़ोसन का, और 9 पे आपका। सब इम्पोर्टेंट नंबर है ना मैं। कुछ मेरा नंबर काम वाली की माँ के पड़ोसन के बाद? अरे रखना ही था तो कम से कम अपने अपने काम वाली के बाद रखते। तो काम वाली अगर काम करने नहीं आई तो क्या मैं आपको फोन करूँ? आपको आता है झाड़ू पोछा करना जी? वो ऐसे यार, हमारी काम वाली भी नहीं आई है स्मृति सिंह जी, तो इंस्पेक्टर साहब से झाड़ू पोछा बाद में लगवा लेना, पहले घोटालों के बारे में सोचो, कुछ भी होता है तो फटाक से इल्जाम उन पे लगा देते हैं। करेक्ट है जी। मम्मी, मुझे चक्कर आ रहा है। हे पत्थर वाले भगवान, बसंत क्या हो रहा है इसे? तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें यहाँ के डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, मैं तुम्हें दवाई की पर्ची खाने के लिए देगा और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। हाथ मत लगाओ उसे, कोई भी इसे हाथ नहीं लगाएगा जब तक ये ठीक नहीं हो जाती। और किस डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे आप? हा? वो डॉक्टर खुद ही हो जाएगा इसके दो सर देखकर। समझाओ नहीं सबर सा, प्लीज चुप। प्लीज पापा, मैं बीमार नहीं हूँ, इसलिए चक्कर आ रहे हैं, मेरी एनर्जी कम हो रही है। बेटा तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, बस कुछ कीजिए ना। लॉजिकली भैया हमें इसे बाहर ले जाना चाहिए, सूरज की किरण जैसे इस पर पड़ेगी ये। हाँ। ओ हेमंत चाचा, क्या तुम लोग पागल हो गए हो? ऐसे कैसे बाहर ले जा सकते हम 333 को? इसकी एनर्जी कम हो रही है, ये सूरज भी डूब रहा है, ये कैसे रह पाएगी एनर्जी के बगैर?
वेरी गुड शिशिर, वेरी गुड। देख पापा देख, इस नालायक ने जानबूझ के गहने और पैसे छुपा दिए थे। बता बता तूने ऐसा क्यों किया? मैं तो ये देखना चाहता था कि आप कितने चौकन्न हैं। हर बार ऐसी गिनती चीजें खुली छोड़ के चले जाते हो। सोचा कि सबक सिखाऊं। अच्छा, अब तू हमें सबक सिखाएगा? हाँ, हम क्या तेरी टीचर हैं? टीचर? हाँ, इसकी मैथ्स की टीचर का फोन आया था थैंक यू बोलने के लिए, क्योंकि ये उसे मैथ्स पढ़ा रहा था। बाहर दादी, वो बहुत डब्बू है, वो मुझे 212 सिखा रही थी जो मैंने नर्सरी में ही सीख लिया था। हाँ, मैंने टीचर को 68 2 136 ऐसा मन में गिनने के ट्रिक सिखाई। देख बाबा, देख देख। अरे बाबा, हाँ ये देखना बा, बुखार जैसा लग रहा है, आंखें भी जल रही है। हाय हाय, हाथ तो बहुत गर्म है, देख तो चकुड़ी। भाई ये तो ठंडा है। मेरा नहीं, बाबा का। अरे जा जाकर थर्मामीटर लेके आ। तो बराबर। हाँ भाई हाँ। अबे हाय हाय, सो थी गई उम्र छोकरा ने। हे भगवान। खम्मा खम्मा बापा खम्मा। सूर्य के किरण से कुछ नहीं होगा, मेरी बात मानिए बस। हम इसे फॉर्मूला 070 दे के इंसानी रूप दे देते हैं और फिर बाहर ले जाकर उसे। तुम भी क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो हेमंत माता? तब तुम तीनों, अरे हजार सवाल उठेंगे, कौन जवाब देगा? मैं तो आवेश में आकर इसने 333 को यहाँ पर बुलाकर खतरे में डाल दिया, वही बहुत है। माना कि ये थोड़ा ही है, लेकिन हम में तो है कि नहीं। लेकिन बसंत, हेमंत का इरादा गलत तो नहीं था? मी पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गलती तो की है मैंने, लेकिन मेरे पास एक ठीक वाला आइडिया है जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, ऐसा कौन सा आइडिया है तेरे पास? हे भगवान, क्या करूं मैं तेरा, ये क्या लेकर आई है? थर्मामीटर। अरे ये थर्मोकॉल है। सॉरी सॉरी, दोनों एक जैसे सुनाई देते हैं ना, थर्माकोल थर्मामीटर। तो मैं चक्कुड़ी डफोड़, दिखते तो अलग है ना, इतना तो सोच, इससे मैं बाबा का बुखार कैसे नापूंगी? हाँ वो तो है। तो वो पेन जैसा होता है जिसको ऐसे मुंह में रखते हैं फिर बुखार नापते हैं। अरे अगर पिटारे में डोनेशन की चीज थी, मतलब वर्षा आंटी ने जानबूझकर नाटक किया मेरा ध्यान भटकाने के लिए। ऐसा क्यों किया समझा? सबको किसी तरह कॉलोनी से बाहर भेजने के लिए, ताकि वो लोग गोले के साथ कुछ कर सके। लेकिन क्या? मैं थर्मामीटर। हाँ ला। अबे हुआ चकुड़ी, ये नकली थर्मामीटर है बच्चों के, वो डॉक्टर वाले सेट का। हाँ पर असली जैसा दिखता है। मितेश मितेश के पापा को बुखार ज्यादा है ना, हमें चलेगा। अरे पर इससे इसको कितना बुखार है ये भी पता नहीं चलेगा। ये असली वाला लेकर आ जा। असली दिखता है तो भी प्रॉब्लम है मेरे पीछे। असली नकली इधर उधर, मतलब सबको यहाँ से भगा के वसंत अंकल ने असली गोला घर में लेकर नकली वाला बाहर रख दिया होगा।